दान ब्राह्मणों को देना चाहिए या फिर किसी गरीब को? प्रेमानंद जी महाराज ने खुद ये बता दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मोक्ष चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। वृंदावन में प्रवचन करने वाले बाबा प्रेमानंद महाराज लोगों को भजन व कथा मार्ग के द्वारा अध्यात्म का रास्ता बताते हैं। प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में बताया कि हमें दान किसे और किन परिस्थितियों में देना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज से जब एक भक्त ने पूछा, हमें लगता है दान ब्राह्मणों को देना चाहिए, क्या दान गरीबों को देना चाहिए या किसी ब्राह्मण को ही दे देना चाहिए? इसका जवाब देते हुए प्रेमानंद जी ने कहा, हमें दान देने से पहले दान का मतलब समझना होगा। दान का मतलब है आवश्यकता वाले व्यक्ति को कुछ देना, आवश्यकता वाले को कुछ देना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई भूखा है तो उसे रोटी दे दो, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला दो, किसी को दवाई की ज़रूरत है तो उसे दवाई दिला दो। प्रेमानंद जी महाराज ये भी कहते हैं कि दान देते वक्त हमें तीन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भूखा है, कोई सर्दी से ठिठुर रहा है या फिर कोई बीमारी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ये भी कहते हैं कि हालांकि हमें रुपया देते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए, हो सकता है वो रुपया लेकर कुछ गलत कार्य करे। जी हाँ, प्रेमानंद जी महाराज ने ये समझाया कि दान का मतलब है आवश्यकता, उस समय उस चीज़ की जिसको आवश्यकता है वो उसे दे दो। वहीं उन्होंने एक एग्जांपल ये भी दिया कि अगर कोई कुत्ता भूखा है तो आप उसे रोटी खिला दो, वो भी दान ही है। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपसे ना ही तो कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट पाए और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे।